जय हिंद, जय झारखंड। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, तो सबसे पहले बधाई। और साथ ही साथ जेबी केसेस, मैं तमाम झारखंड वासी उन्हें बधाई, उनका आभार, नेहर, जोहार करता हूं। आज झारखंड में जिस प्रकार से एक नई राजनीतिक दल का उदय हुआ है, जिस प्रकार से लोगों का विश्वास दिखा है, उसके लिए हृदय की गहराइयों से तमाम जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करते हैं। गिरिडीह लोकसभा से मैं स्वयं प्रत्याशी रहा और आप सबों ने ढेर सारा प्यार, ढेर सारा दुलार और अपना आशीर्वाद देने का काम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 347,322 वोट मायने हैं, यानी 27.5% के लगभग, 27% शायद भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में कोई कैंडिडेट इंडिपेंडेंट और फर्स्ट टाइम जो कभी मुखिया, सरपंच कोई चुनाव नहीं लड़ा हो, एक गांव के प्रधान का, एक स्कूल कॉलेज में एक मॉनिटर का चुनाव ना लड़ा हो और डायरेक्ट एमपी का चुनाव लड़ता हो और 27% से ज्यादा वोट लेकर आता हो, ये शायद एक ऐतिहासिक और हिस्ट्री क्रिएटेड मोमेंट है। तो कहीं ना कहीं आपका जो आशीर्वाद मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ हमारे अलावे, गिरिडीह लोकसभा के अलावे हजारीबाग में भी हमारे प्रत्याशी को 1.5 लाख के आसपास मत मिला, रांची लोकसभा में हमारे प्रत्याशी को 1,30,000 के आसपास मत मिला, धनबाद लोकसभा में भी 80,000 के आसपास हमारे प्रत्याशी को मत मिला, सिंहभूम में भी 44,000 के आसपास हमारे प्रत्याशी को मत मिला, कोडरमा में 28,000, चतरा में 12,000 और दुमका में लगभग 20,000 के आसपास मत मिला। तो कहीं ना कहीं एक नए राजनीतिक दल का, जिसके पास कोई साधन नहीं, कोई संसाधन नहीं, झंडा नहीं, बैनर नहीं, पोस्टर नहीं, बूथ मैनेजमेंट नहीं, यहां तक कि उसका खुद का सिंबल नहीं, 4 सिंबल मिले हमारे 8 प्रत्याशी को, कहीं हेलमेट छाप मिला तो मुझे खुद सिलेंडर, गैस सिलेंडर छाप मिला, तो कहीं कैंची, तो कहीं गन्ना किसान छाप मिला, यानी हमारा सिंबल तक नहीं मिला, ना पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो पाया, फिर भी हम लोग चुनाव के मैदान में आए, जनता के आशीर्वाद से आए, जनता के दिशा निर्देश से आए और लगभग 8 लाख वोट लेकर हम लोग विधानसभा के लिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी हिम्मत और ताकत देने का काम किया है, इसके लिए तमाम झारखंड के जनमानस का आभार व्यक्त करते हैं और गिरिडीह लोकसभा के भी तमाम जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ ये चुनाव नहीं लगा कभी कि हार जीत का चुनाव था। जब चुनाव का रिजल्ट आने के बाद मैं गांवों में गया तो कई वृद्ध महिलाएं, हमारी दादी नानी, आज वो भोजन नहीं कर पा रही है, उनकी आंखों में आंसू हुए हैं, 5-6-7 साल के बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जिनको राजनीति आती नहीं है, वो लगातार रो रहे हैं कि टाइगर हार गया, कैसे हार गया। तो गिरिडीह लोकसभा हार जीत से ऊपर एक भावनात्मक चुनाव बना था, तो खैर आपका आशीर्वाद, दुलार, प्यार जो मिला उसके लिए कोटि कोटि आभार। जय हिंद, जय झारखंड।